तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करते समय हम में से कई भक्त अज्ञानतावश एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिससे हमारी तिरुपति यात्रा असफल भी हो सकती है। क्या है वह गलती, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे जब भी कोई तिरुपति यात्रा को जाए वह अपनी यात्रा पूरी तरह से सफल कर पाए। तिरुपति बालाजी मंदिर कौन नहीं जाना चाहता। हम सब अपने जीवन काल में एक बार बालाजी भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहते हैं। एक ऐसा पुण्य क्षेत्र जहां जो कोई भी सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से पूरी श्रद्धा से मनोकामनाएं मांगते हैं, उन्हें अवश्य ही इच्छित फल मिलता है। लेकिन हम में से कई भक्त अज्ञानतावश एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, और वह गलती है तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हम सबसे पहले करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें सबसे पहले बालाजी भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। जब भी आप तिरुपति जाएं, सबसे पहला दर्शन हमेशा श्री आदि वराह स्वामी के ही करने चाहिए। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है जो हमें ब्रह्म पुराण और पौराणिक कथाओं से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार तिरुमला को आदि वराह क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आदि वराह स्वामी भगवान भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और वे ही तिरुमला के अधिपति या ओनर थे। कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के आग्रह पर भगवान वराह स्वामी ने बालाजी भगवान को तिरुमला में रहने के लिए स्थान प्रदान किया, जिसके बदले में बालाजी भगवान ने एक हामी दी कि पहली पूजा, पहला नैवेद्य, पहला दर्शन भगवान आदि वराह स्वामी को ही मिलेगा, और इसी से भक्त को तिरुपति यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी भी पूरी तरह से खुश होंगे। भगवान बालाजी और श्री आदि वराह स्वामी के बीच की हामी को तामर पत्र में लिखा गया था, जिसे आज भी बहुत ही संभाल के रखा गया है। श्री आदि वराह स्वामी का मंदिर स्वामी पुष्करणी नदी के पास और बालाजी मंदिर के थोड़ी ही दूर में है। तो जब भी आप तिरुपति जाएं, श्री वराह स्वामी के दर्शन जरूर करें और कुछ भेंट अवश्य चढ़ाएं। अगर स्वामी पुष्करणी में स्नान करने का आपको मौका मिलता है तो उस पवित्र नदी के पानी में स्नान करें और उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन करें। इससे बालाजी को प्रसन्न तो हम करेंगे ही, उनके हामी का मान भी रखेंगे। सदियों से आज तक तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारियों और पुजारियों द्वारा यह ध्यान अवश्य रखा जाता है कि सबसे पहली पूजा और सबसे पहला नैवेद्य श्री वराह स्वामी को अर्पण करने के बाद ही बालाजी भगवान को दिया जाता है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके तिरुपति यात्रा को सफल बनाएगी, और अगर आपको इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।